मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर को तांडा और ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने का श्रेय दिया जाता है। गठन समारोह के उपलक्ष्य में पश्चिम मारटपल्ली स्थित बहुउद्देश्य समारोह हॉल में फ्रेश वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाटरवर्क्स के एमडी दाना किशोर, पार्षदों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री तलसानी ने कहा कि मिशन भगीरथ के माध्यम से घर घर शुद्ध पेयजल का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर एक महान शासक है जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के पास सबसे बड़ी सीवेज उपचार प्रणाली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार वह सरकार है जो शहर के 62% लोगों को मुफ्त पानी की आपूर्ति कर रही है। कार्यक्रम में वाटरवर्क्स के एमडी दाना किशोर, पार्षदों और अधिकारियों ने भाग लिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर का हरिताहरम कार्यक्रम लोगों की भागीदारी से अच्छे परिणाम दे रहा है। इसी भावना से सभी से अनुरोध है कि तेलंगाना दशक समारोह के तहत कल आयोजित हरितोत्सवम कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाएं। प्रकृति में समृद्धि लाने के लिए राज्य भर के गांवों और कस्बों में बड़ी संख्या में पौधे लगाने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह वे लोगों को वन विभाग के तत्वावधान में प्रदेश में हरियाली उगाने के लिए किए गए प्रयासों और उनके परिणामों के बारे में बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रविंद्र भारती में आयोजित कार्यक्रम में वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। वन और पर्यावरण मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर तेलंगाना दशक समारोह के तहत सोमवार को आयोजित हरितोत्सवम कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह पता चला है कि सीएम केसीआर रंगारेड्डी जिले के तुम्मालुरु शहरी वन पार्क में पौधे लगाएंगे। तेलंगाना गठन दशक समारोह के तहत सोमवार को हरितोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत सीएम केसीआर रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के तुम्मालुरु में शहरी पार्क में पौधे लगाएंगे। मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी, सांसद रंजीत रेड्डी, मुख्य सचिव शांति कुमारी, सीएम सचिव भूपाल रेड्डी, सीएम ओएसडी प्रियंका वर्गीस, पीसीसीएफ आरएम डोबरियाल, कलेक्टर हरीश, सीपी नारायण ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस बीच वन विभाग के अधिकारी 25 एकड़ क्षेत्र में 25,000 पौधे लगाने की योजना तैयार कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि अभी तक कुल 40 प्रकार के पौधे उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के शहरी जैव विविधता विभाग द्वारा तेलंगाना जन्म दशक समारोह के अवसर पर 19 जून को तेलंगाना हरितोत्सव मनाया जाएगा। इस आयोजन के दौरान दशक की प्रेरणा लेकर शहर में 10 पार्क स्थापित किए जाएंगे। सामूहिक पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए जीएचएमसी के अधिकारियों ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। ग्रेटर हैदराबाद को हरित हैदराबाद बनाने के लिए जीएचएमसी के अधिकारी निवासियों के लिए अधिक हरियाली वाले स्थान बनाएंगे। जुड़वा शहरों में विशाल क्षेत्रों में वनीकरण किया जा रहा है। इसका एक हिस्सा रास्ते, खुले स्थानों में वृक्ष प्रजातियों को लगातार भूजल को रिचार्ज करना है, पानी और मिट्टी का इन सीटू संरक्षण करना है, जुड़वा शहरों में विकिरण की तीव्रता को कम करना, साथ ही उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों को उगाकर माइक्रो क्लाइमेट में सुधार करके पिछले 10 वर्षों से सभी रास्ते और कॉलोनियों को सुंदर बनाने और पर्यावरण को बेहतर बनाने और वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हरित आवरण, बढ़ता सौंदर्य मूल्य, प्रदूषण और तापमान को नियंत्रित करना प्रमुख पहलों के रूप में लिया जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार हरिताहरम फ्लैगशिप कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में विभिन्न नवीन तरीकों जैसे एवेन्यू प्लांटेशन, कॉलोनी प्लांटेशन, इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन, ओपन स्पेस प्लांटेशन, कब्रिस्तान आदि में जीएचएमसी में ग्रीनिंग कर रही है। 14 जून 2014 से अब तक हरिताहरम के माध्यम से हम गर्व से कह सकते हैं कि वृक्षारोपण से न केवल हरियाली का प्रतिशत बढ़ा है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सीएम केसीआर को चुनौती दी है। उन्होंने सीएम को चुनौती दी कि बीजेपी तेलंगाना राज्य के विकास पर चर्चा के लिए तैयार है, सीएम केसीआर को भी चर्चा में आना चाहिए। उनकी पार्टियों से केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी चर्चा में आएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या परेड ग्राउंड में प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। उनकी पार्टी से केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी चर्चा में आएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या परेड ग्राउंड में प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। साथ ही बीआरएस और कांग्रेस पर एक पार्टी होने का आरोप लगाया है। बंडी ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि केसीआर अगले चुनाव में लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार भी तय करेंगे। उन्होंने पहले ही 30 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद के देश की दूसरी राजधानी होने के मुद्दे पर पार्टी में आंतरिक रूप से चर्चा की जाएगी। बंडी ने साफ किया कि वह तेलंगाना के लिए कुछ भी अच्छा करेंगी। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि अगर हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव मिला है तो पार्टी में व्यापक चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। रेवंत ने कहा कि यह इतना गंभीर मामला नहीं है, हैदराबाद से आय के स्रोत पर चर्चा होनी चाहिए कि यह राज्य का है या केंद्र का। इसके अलावा शक्तियों के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। रेवंत ने कहा कि यह इतना गंभीर मामला नहीं है, हैदराबाद से आय के स्रोत पर चर्चा होनी चाहिए कि यह राज्य का हो या केंद्र का। इसके अलावा शक्तियों के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर स्पष्टीकरण के लिए संबंधित बुद्धिजीवियों के साथ एक अध्ययन किया जाना चाहिए। जन मार्च पदयात्रा में सीएलपी नेता विक्रमार्क से हाथ मिलाने को लेकर लोग उत्साहित हैं। आरटीसी बस में यात्रा कर रहे यात्रियों ने नलगोंडा जिले के पनागल से मार्च कर रहे भट्टी विक्रमार्क से हाथ मिलाने का उत्साह दिखाया। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि वे अराजकता की मार झेल रहे लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। चंदनपल्ली में एक आम के पेड़ के नीचे एक पलंग पर भट्टी कुछ देर के लिए सोया। आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी सदस्य दिद्दी सुधाकर ने कहा कि पारदर्शी शासन चाहने वालों को आप में शामिल होना चाहिए। उन्होंने आप में शामिल होने का आह्वान किया। हैदराबाद आप राज्य कार्यालय में मिस्ड कॉल के साथ आप सदस्यता पंजीकरण पोस्टर का अनावरण किया गया। दीदी सुधाकर ने कहा कि तेलंगाना में आप ही एकमात्र विकल्प है। मोबाइल नंबर 8080028080 पर मिस्ड कॉल दे और सदस्यता ले। उन्होंने सभी को एक नया सामाजिक तेलंगाना बनाने के भागीदार बनने के लिए कहा, जो अभिजात वर्ग के तेलंगाना शासन के लिए आधार तैयार कर रहा है। तेलंगाना में संगठनात्मक ढांचा पार्टी का उद्देश्य है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर की समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सीएम केसीआर द्वारा दिया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। पिछड़ा वर्ग के वोट के लिए केवल 6 पिछड़ी जातियों पर 1,00,000 रुपए के हथियार का इस्तेमाल करना निंदनीय है। दीदी सुधाकर ने बीसी बंधु को मिलवाने और राज्य के प्रत्येक बीसी परिवार को 10,00,000 रुपए देने की मांग की। महिलाओं के पहनावे पर तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली की टिप्पणी से महिला नेता नाराज है। इस मौके पर टीटीडीपी के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक कटरागड्डा प्रसुना ने महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कहने वाले गृह मंत्री से माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री की टिप्पणी हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच लड़ाई पैदा करने के लिए थी और पुरुषों को यह तय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। कहा जाता है कि महिलाओं का पहनावा उनकी परंपराओं के अनुसार होता है। कटरागड्डा प्रसुना ने स्पष्ट किया कि वह महिलाओं के ड्रेस कोड पर गृह मंत्री की पुरुष अहंकारी टिप्पणियों की निंदा करती है और तेलुगुदेशम पार्टी धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में खड़ी है। अमावस्या के अवसर पर बोयनपल्ली फूटकर सब्जी मंडी स्थित कनका दुर्गम्मा मंदिर में वृहद अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फुटकर सब्जी मंडी अध्यक्ष मक्कला सत्यनारायण, अध्यक्ष कोतमीर अशोक, उपाध्यक्ष रमेश, सचिव निम्मकायला नरसिंह ने लोगों के लिए अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्वप्रथम कनका दुर्गम्मा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर भोजन वितरित किया गया। मक्कल सत्यनारायण ने कहा कि प्रत्येक अमावस्या पर अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि BS7 वारंटिएट जो एक बार फिर कोरोना के प्रसार का कारण बन रहा है, तेलंगाना में प्रवेश कर गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस महामारी से बचाने के लिए देवी की विशेष पूजा की है। तेलंगाना राज्य के जन्म दशक समारोह के हिस्से के रूप में एक ताजा जल उत्सव आयोजित किया गया। सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सीताफल मंडी बहुउद्देश्य समारोह हॉल में पेयजल उपलब्धियों पर एक बैठक आयोजित की गई। उप महापौर ने हैदराबाद जल बोर्ड के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं बहुत ही शानदार है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर के अलावा जल मंडली के जरिए आउटर रिंग रोड तक के गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर और मंत्री केटीआर के निर्देशन में पेयजल और सीवेज उपचार प्रणाली के लिए नई परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए 18,538 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी बनाया जाता है तो तेलंगाना के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा।
दक्षिण भारत समिति के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर गाली विनोद कुमार ने कहा, यह झूठ है कि केंद्र चंदा वसूल रहा है। गाली विनोद कुमार ने कहा कि वह इस पर चर्चा के लिए तैयार है। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी बनाया जाता है तो तेलंगाना के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। दक्षिण भारत समिति के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर गाली विनोद कुमार ने कहा, यह झूठ है कि केंद्र चंदा वसूल रहा है। गाली विनोद कुमार ने कहा कि वह इस पर चर्चा के लिए तैयार है। पूर्व मंत्री और खैरताबाद के विधायक दानम नागेंद्र ने कहा कि हैदराबाद ने महानगरीय शहर के रूप में काफी प्रगति की है। उन्होंने हैदराबाद के खैरताबाद स्थित जलमंडली में विधायक दानम नागेंद्र के नेतृत्व में आयोजित ताजा जल महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तेलंगाना राज्य बनने के बाद तेलंगाना के हर घर में 20,000 लीटर ताजा पानी मुफ्त में पहुंचाने का सम्मान मुख्यमंत्री केसीआर और मंत्री केटीआर को जाता है। उन्होंने कहा कि पहले 3 या 4 दिन में एक बार ताजा पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन अब यह 24 घंटे उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अच्छे पानी की समस्या खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की मेहनत का नतीजा है कि मंडुटेंडा के सभी तालाब लहलहा रहे हैं और बह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सभी राज्यों के लिए रोल मॉडल है। जय तेलंगाना। ప్రభుత్వ డైరెక్టర్ గారు అన్నాటం చేస్తున్నారు। विधायक माधवराव कृष्णराव ने कहा कि तेलंगाना राज्य आने से पहले कुकटपल्ली में महिलाएं सड़कों पर से पानी के घड़े उठाया करती थी। ऐसे कुकटपल्ली में कहा कि सीएम केसीआर के आशीर्वाद से 9 साल में हल्के में मीठे पानी की समस्या पूरी हो गई है। विधायक माधवराव कृष्णराव ने केपीएसबी कम्युनिटी हॉल में आयोजित गुड वाटर फेस्टिवल कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य गठन समारोह के तहत भाग लिया। विधायक माधवराव कृष्णराव ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में 9 साल के दौरान 90 साल के काम को हल किया गया है, लेकिन काम पूरा हो गया है। तेलंगाना राज्य गठन समारोह के हिस्से के रूप में अंबरपेट विधायक श्री कालेरु वेंकटेश के नेतृत्व में एसआरजी समारोह हॉल में मंचनील महोत्सव का एक कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। विधायक कालेरु वेंकटेश ने जल निकासी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनकी सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि केसीआर कठोर दीक्षा के साथ 43,791 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और तेलंगाना में 100% घरों में पाइप के माध्यम से शुद्ध ताजा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। घटकेसर नगरपालिका अध्यक्ष पावनी जंगैया यादव ने कहा कि प्रजास्वामी में महिला नगरपालिका अध्यक्षों की सुरक्षा नहीं है। पावनी इस बात से नाराज थी कि वे राजनीतिक रूप से एक महिला अध्यक्ष के रूप में मेरा सामना नहीं कर सकते थे और हम पर शारीरिक हमले कर रहे थे। उन्होंने नगर निगम कार्यालय के सामने अध्यक्ष डाउन डाउन के नारे लगाए। उसने कहा कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी और कानूनी कार्रवाई का सामना करेगी। हैदराबाद ऐसा शहर है जो हर किसी को अपना लेता है। यहाँ हर कोई आसानी से जीवन जी सकता है। जहाँ संपन्न लोग बड़े होटल या रेस्टोरेंट में अपनी भूख मिटाते हैं, तो गरीब के साथ ही मध्यम वर्ग के लोग भी पॉकेट फ्रेंडली 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी ओर हर कोई खींचा चला आता है और फिर यहीं का होकर रह जाता है। यही सारी खूबियाँ हैं इस शहर की जो लोग इसे देश की दूसरी राजधानी बनाना चाहते हैं। तो अब एक बार फिर हैदराबाद को भारत की दूसरी राजधानी के रूप में नामित करने की मांग। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सी विद्यासागर राव के समर्थन में सामने आई है। राव ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पोते द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया और अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने भी ये बात कही थी। राव ने देश की दूसरी राजधानी के रूप में हैदराबाद को बनाने की प्रकाश अंबेडकर की बात की वकालत करी है। उन्होंने राजनीतिक दलों को एक साथ आने और इस संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया है। राव के अनुसार यह प्रस्ताव स्वर्णिम तेलंगाना की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा को साकार करने में योगदान देगा। हाल ही में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी बनाने की संभावना होगी
और सभी को याद दिलाया है कि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि देश को दूसरी राजधानी की जरूरत है। विद्यासागर राव ने विश्वास जताया कि हैदराबाद भविष्य में देश की दूसरी राजधानी बन जाएगा। हैदराबाद का स्थान इसे दूसरी राजधानी के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है और इसकी भौगोलिक स्थिति बेहतर शासन और समन्वय को बढ़ावा देगी। हैदराबाद ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण विकास देखा है और इसे दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करने से न केवल अधिक निवेश आकर्षित हो सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, बल्कि व्यवसायों, उद्यमियों और स्थानीय आबादी के लिए नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। शहर का ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ सड़क नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अच्छी तरह से स्थापित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से राजधानी होने से जुड़े हुए प्रशासनिक कार्यों को समायोजित करने में सक्षम बनाती है। यह पहली बार नहीं है कि हैदराबाद को भारत की दूसरी राजधानी घोषित करने की मांग उठी है। इससे पहले भी कई नेताओं ने इसी तरह की मांग उठाई थी। हालांकि हैदराबाद को देश की दूसरी राजधानी बनाने के अवसर मिलते हैं, लेकिन प्रस्ताव को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक और विधायी कार्यों की आवश्यकताएं होती हैं। अब तो देखना यह है कि आगे जाकर हैदराबाद शहर देश की दूसरी राजधानी बन भी पाता है या फिर नहीं। वैसे अगर ऐसा हो जाए तो इस शहर का और विकास होगा, साथ ही जनता को भी इससे लाभ मिलेगा। कड़पा सांसद अविनाश रेड्डी पूर्व मंत्री वाईएस विवेका हत्याकांड की सीबीआई जांच में शामिल हुए। अविनाश रेड्डी सीबीआई दफ्तर पहुंचे और अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी लाए। 20 मिनट बाद अविनाश रेड्डी वहां से चले गए। 20 मिनट बाद अविनाश रेड्डी वहां से चले गए। सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को अविनाश रेड्डी को नोटिस देकर रविवार को जांच के लिए आने को कहा था। उन्हें कई दस्तावेज लाने की सलाह भी दी गई। इसी पृष्ठभूमि में अविनाश दस्तावेज लेकर सीबीआई कार्यालय आए। दूसरी ओर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अविनाश रेड्डी को बिना गिरफ्तारी के सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने अविनाश को जून के अंत तक हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीबीआई जांच में शामिल होने का आदेश दिया। वाईएस विवेका की बेटी सुनीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अविनाश की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। तेलंगाना में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। कोई कसर बाकी न रह जाए इसके लिए सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। हर पार्टी जीत हासिल करना चाहती है। दूसरी ओर भाजपा ने भी ऑपरेशन मिशन साउथ की शुरुआत कर दी है। आइए यहां इस विषय पर रोशनी डालते हैं। तेलंगाना में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। कोई कसर बाकी न रह जाए इसके लिए सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। हर पार्टी जीत हासिल करना चाहती है। दूसरी ओर भाजपा ने भी ऑपरेशन मिशन साउथ की शुरुआत कर दी है। आइए यहां इस विषय पर रोशनी डालते हैं। हाल ही में आईटी मंत्री केटी रामाराव ने बताया कि तेलंगाना सरकार टियर 2 शहरों में आईटी परिचालन का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत सिद्दीपेट में आईटी टावर का उद्घाटन 15 जून को किया जाएगा। इसके बाद जुलाई में निजामाबाद में और अगस्त में नलगोंडा में एक और आईटी टावर का उद्घाटन किया जाएगा। आइए यहां इस विषय को विस्तार से जानते हैं। छह मई को महबूब नगर में एक आईटी टावर का उद्घाटन किया गया और मौजूदा टावर नई कंपनियों को कार्यालय स्थापित करने, रोजगार पैदा करने और इन शहरों में नागरिकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वरंगल एक वैकल्पिक आईटी हब के रूप में बदल रहा है। टैंक महिंद्रा, साइंट, जेनपैक और अन्य कंपनियों ने पहले ही यहाँ अपनी इकाइयाँ स्थापित कर ली है और मंत्री ने यहाँ आईटी वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 जारी करने के बाद कहा है कि इसी तरह से चार नई कंपनियाँ LTI, माइंट्री, जेनपैक, HRH, नेक्स्ट और हेक्सॉट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को हनमकोंडा में लॉन्च किया गया।
तेलंगाना के टी हब से प्रभावित होकर महाराष्ट्र सरकार एक एम हब स्थापित कर रही है। पिछले एक साल में टी हब ने राज्य में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने त्वरक कार्यक्रमों के माध्यम से टी हब ने 13 सुपर मीटर्स सहित 112 मीटर्स की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए 72 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया। फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लियो ने रामा राव की उपस्थिति में टी वर्कर्स का उद्घाटन किया है। तेलंगाना की गति और परिष्कृत उत्पादों को विकसित करने के अपने दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर फॉक्सकॉन ने दुनिया के सबसे बड़े प्रोटोटाइप केंद्र टी वर्कर्स का समर्थन करने के लिए एक प्रौद्योगिक ग्रेड SMT लाइन दान करने की घोषणा करी। तेलंगाना राज्य इलेक्ट्रॉनिक नीति 2016 में राज्य देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए लागू हुई थी। राज्य ने 2022 से 2023 में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया और जिसमें 32,000 लोगों की रोजगार सृजन क्षमता इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा भंडारण क्षेत्रों में थी। 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स EV और ऊर्जा भंडारण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह और अन्य अधिसूचित पार्कों में 66,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थापित तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज टास्क एक गैर लाभकारी संगठन है जो युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें अधिक रोजगार परक बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ काम करता है, जिसे राज्य में बेरोजगारी दर पर अंकुश लगता है और इसी के तहत अब तक 1.8 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया गया और 2,250 संकाय सदस्य कुशल थे। 125 प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए गए और 30,961 छात्रों को नौकरी मिली है। टास्क ने चंचलगुड़ा में एक समुदायिक कौशल केंद्र और आसिफाबाद में एक आदिवासी कौशल केंद्र शुरू किया। टास्क क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद, परंगल, करीमनगर, खम्मम और सिलसिला केंद्रों के अलावा हनमकुंडा, महबूबनगर में स्थापित किए गए हैं।